नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा 18 मार्च को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 4:30 बजे से। तो आज की इस वीडियो में इस पहले वनडे मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पहले वनडे मुकाबले के लिए सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन की पिच रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं, वहीं पर सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन की पिच को ध्यान में रखते हुए इस पहले वनडे मुकाबले में कौन से बल्लेबाज और गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस पहले वनडे मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पहले वनडे मुकाबले के लिए सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ग्राउंड रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 58 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 23 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 32 मैचेस जीते हैं। वहीं अगर लास्ट 6 ODI मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो यहां पर भी चेजिंग टीम का ही पलड़ा भारी रहा है। चेज करते हुए टीम्स ने 4 मैचेस जीते हैं, इसके अलावा पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम्स ने मात्र 2 मैचेस ही जीते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड्स है वो आपको क्लियर बता रहे हैं कि इस मैदान पर चेस करना ही ज्यादातर फायदेमंद साबित होता है और ज्यादातर टीम्स चेस करते हुए इस मैदान पर मुकाबले जीतती हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस पूरे मैच के दौरान अच्छी रहती है और सेंचुरियन की पिच ODI में बल्लेबाजी के लिए काफी ज्यादा बेहतर बिहेव करती है। यहां पर आपको बड़े बड़े स्कोर भी बनते हुए नजर आते हैं। अगर आप लास्ट 5 ODI मैचेस के एवरेज स्कोर देखोगे फर्स्ट इनिंग्स के, तो वो 278 का है। इससे आप आइडिया ले सकते हो कि फर्स्ट इनिंग्स में यहां पर काफी बड़ा स्कोर बनने की संभावना है और इस मैच में भी आपको बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जाए इस मैदान के एवरेज स्कोर्स की, तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो ओवरऑल 246 है, वहीं पर एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर गिरकर 206 का हो जाता है। तो आप ये ओवरऑल स्कोर देख रहे होंगे कि यहां पर काफी ज्यादा कम नजर आ रहा है एवरेज स्कोर, लेकिन जो हाल फिलहाल के मैचेस खेले गए हैं सेंचुरियन के मैदान पर ODIs के, वहां पर ये देखा गया है कि आपको हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं, क्योंकि सेंचुरियन की पिच बैटिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित हो रही है। तो इस मुकाबले में भी आप हाई स्कोरिंग मुकाबला एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान के कुछ ODI रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल अभी तक इस मैदान पर बना है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ 392 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल बना है वो भी साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाया था इंडिया के खिलाफ 118 ऑल आउट। इसके अलावा जो हाईएस्ट स्कोर अभी तक ODI में इस मैदान पर चेस हुआ है वो भी साउथ अफ्रीका की टीम ने किया था इंग्लैंड के खिलाफ 319 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा जो लोएस्ट स्कोर डिफेंड हुआ है वो अफ्रीका 11 ने किया था एशिया 11 के खिलाफ 198 ऑल आउट। बात दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के मैदान पर ODIs में कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो अगर हम पिछले 6 ODI मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो यहां पर टोटल 52 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने चटकाए हैं, इसके अलावा मात्र 29 विकेट्स ही स्पिनर्स को मिले हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो आपको क्लियर बता रहा है कि इस मैदान पर फास्ट बॉलर्स इंजॉय करते हैं गेंदबाजी करना और तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है सेंचुरियन की पिच। और इस पहले वनडे मुकाबले में भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है, जहां पर तेज गेंदबाज डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और वहीं बात की जाए स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स के लिए इस मैदान पर कुछ खास ज्यादा हेल्प नहीं रहती है। हालांकि सेकेंड इनिंग्स में देखा गया है कि यहां पर थोड़ी बहुत स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, जो लेग स्पिनर्स हैं, इसके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, उनको सेकंड इनिंग्स में सेंचुरियन की पिच से थोड़ा बहुत टर्न और इसके अलावा ब्रेक देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मैच में देखोगे तो यहां पर फास्ट बॉलर्स का ही डोमिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंचुरियन की पिच पर तेज गति से गेंद आती है, बाउंस भी यहां पर एक्स्ट्रा मिलता है, तो यहां पर तेज गेंदबाज इंजॉय करते हैं गेंदबाजी करना। इसलिए दोस्तों मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा से ज्यादा फास्ट बॉलर्स रखने चाहिए, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन या फिर 4-1 के कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो, जहां पर आप 4 फास्ट बॉलर्स या एक स्पिनर को रख सकते हो, वहीं पर 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हो। बात दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले वनडे मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बांग्लादेश टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें, तो बांग्लादेश की टीम के लिए इस ODI सीरीज से पहले काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जहां पर उनके एक्सपीरियंस्ड प्लेयर शाकिब अल हसन इस सीरीज के लिए अवेलेबल हो चुके हैं और आपको वो पहले वनडे मुकाबले में प्लेइंग 11 में खेलते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा मेहदी हसन, मिराज और आफीफ हुसैन जो बल्लेबाजी है उसको और भी ज्यादा गहराई
दिखाई देंगे। तो बांग्लादेश की प्लेइंग 11 आपको इस पहले वनडे मुकाबले में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं कैप्टन तमीम इकबाल के साथ लेतन दास, इसके अलावा नंबर 3 पर आ सकते हैं शाकिब अल हसन, नंबर 4 पर विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम, नंबर 5 पर यासिर अली, नंबर 6 पर महमूदुल्ला रियाद, नंबर 7 पर आफीफ हुसैन, नंबर 8 पर मेहदी हसन मिराज, नंबर 9 पर तस्किन अहमद, नंबर 10 पर शौरिफुल इस्लाम और नंबर 11 पर मुस्तफिजुर रहमान खेल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका को एक बड़ा झटका देखने को मिला है, जहां पर उनके तेज गेंदबाज से सांडा मगाला इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर कैगिसो रबाडा को ऐसा रिप्लेसमेंट शामिल किया गया है और इस पहले वनडे मुकाबले में रबाडा आपको खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो आपको साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के साथ जानेमन मलान, नंबर 3 पर आएंगे कैप्टन तेंबा बाबूमा, नंबर 4 पर एडन माकरम, नंबर 5 पर रासी वांडर डुसन, नंबर 6 पर डेविड मिलर, नंबर 7 पर एंडिले फेलिक्वायो, नंबर 8 पर ड्वेन प्रिटोरियस, नंबर 9 पर केगिसो रबाडा, नंबर 10 पर तबरेज शमसी और नंबर 11 पर लुंगी एनगिडी खेल सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम की तरफ से इस पहले वनडे मुकाबले में नजर आ सकती है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले वनडे मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड ओडीआई रिकॉर्ड की बात कर लें तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच अभी तक ओडीआई हिस्ट्री में 21 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर साउथ अफ्रीका का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम ने 17 मैचेस जीते हैं जबकि बांग्लादेश की टीम मात्र 4 मैचेस ही जीत पाई है। इसके अलावा इन दोनों टीमों के बीच अभी तक 9 वनडे मैचेस खेले गए हैं और सभी 9 मैचेस साउथ अफ्रीका की टीम ने जीते हैं। इसका मतलब बांग्लादेश का खाता अभी तक नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगर बात कर ली जाए पिछले 5 ओडीआई मैचेस जो इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं तो वहां पर भी साउथ अफ्रीका की टीम को थोड़ा सा एज हासिल है। साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि बांग्लादेश की टीम मात्र 2 मैचेस ही जीत पाई है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की। तो जो पिछले 5 मैचेस बांग्लादेश की टीम ने खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं, 1 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम ने भी जो अपने पिछले 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं और मात्र 1 मुकाबला ही हारा है। तो दोनों टीमों की जो रीसेंट फॉर्म है वो ओडीआई क्रिकेट में अच्छी चल रही है, लेकिन अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे फिर चाहे वो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड हो या फिर इन साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड हो, वहां पे साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा बेहतर टीम और आगे नजर आ रही है बांग्लादेश से। इसलिए दोस्तों मुझे भी लगता है कि इस ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एटलीस्ट पहले वनडे मुकाबले से पहले तो हम ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम एज अ फेवरेट स्टार्ट करेगी, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं और इससे पहले जो उन्होंने ओडीआई सीरीज खेली थी इंडिया के अगेंस्ट, वहां पर हम सबने देखा था कि कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया था उन्होंने, भारत की स्ट्रांग टीम को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। तो इससे आप उनका पोटेंशियल देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम इस समय काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, तो मुझे लगता है कि एज अ फेवरेट स्टार्ट करने वाले हैं वो उस पहले वनडे मुकाबले में भी। के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले वनडे मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इनको आप अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो या फिर कैप्टन या वाइस कैप्टन भी रख सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो आप साउथ अफ्रीका की तरफ से जानेमन मलान को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में इन्होंने 537 रन स्कोर किए हैं 67.13 के बेहतरीन एवरेज के साथ। इसके अलावा रासी वांडर डुसन को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 377 रन स्कोर किए हैं 62.83 के शानदार बैटिंग एवरेज के साथ। वहीं पर बांग्लादेश की तरफ से आप लिटन दास को इस फैंटेसी 11 में भी रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 424 रन बनाए हैं 47.11 के बैटिंग एवरेज के साथ, ये भी बेहतरीन फॉर्म में है। इसके अलावा मुशफिकुर रहीम को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 354 रन स्कोर किए हैं 50.57 की अच्छी बैटिंग एवरेज के साथ। बात दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप तबरेज शमसी को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 17 विकेट चटकाए हैं 4.92 के बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ। इसके अलावा आप केशव महाराज की जगह केगिसो रबाडा को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, क्योंकि सेंचुरियन की पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा मदद रहेगी और इन्होंने पिछले 9 मैचेस में 9 विकेट चटकाए हैं, मतलब हर मैच में वो कम से कम 1 विकेट तो लेते ही हैं। इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से अगर बात की जाए तो आप शाकिब अल हसन को इस फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर बनाना, ये इस समय बेहतरीन फॉर्म में है। पिछले 9 मैचेस में 16 विकेट चटकाए हैं 4.36 के इकॉनमी रेट के साथ। इसके अलावा ये शानदार ऑलराउंडर भी हैं, बल्ले के साथ भी बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पर आप मुस्तफिजुर रहमान को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 14 विकेट चटकाए हैं 5.22 के बेहतरीन इकॉनमी रेट के साथ। तो दोस्तों ये कुछ बल्लेबाज हैं और गेंदबाज हैं जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपको इनको अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पहले ओडीआई मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। तो दोस्तों चाहे बात हो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की या फिर बात हो साउथ अफ्रीका में खेले गए मैचेस के रिकॉर्ड्स की या फिर जो रीसेंट पास्ट में इन दोनों टीमों के बीच ओडीआई मैचेस खेले गए हैं, हर मामले में साउथ अफ्रीका का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है बांग्लादेश के ऊपर। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम ये सीरीज अपने घर पर भी खेलेगी तो होम एडवांटेज में
मिलेगा। हालांकि इन दोनों टीमों की जो रीसेंट फॉर्म है ओडीआईस में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पिछली ओडीआई सीरीज में इंडिया को हराया था, वहीं पर बांग्लादेश की टीम ने अपनी पिछली ओडीआई सीरीज में अफगानिस्तान को हराया था अपने घर पर। तो दोनों टीमें अपने घर पर पिछली ओडीआई सीरीज जीत कर आ रही हैं, लेकिन दोस्तों ये सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका में खेली जाएगी, जहां पर इस समय साउथ अफ्रीका की टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। तो बांग्लादेश के सामने एक बार फिर से बड़ी चुनौती होने वाली है, और बांग्लादेश की टीम ने अभी तक एक बार भी साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ओडीआई नहीं हराया है। तो ऐसे में चैलेंज काफी ज्यादा बड़ा है। हालांकि बांग्लादेश की टीम में भी पोटेंशियल है कि वो साउथ अफ्रीका को चौंका सकते हैं, लेकिन जो करंट सिनेरियो है वहां पर साउथ अफ्रीका की टीम मुझे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। इसलिए दोस्तों इस पहले ओडीआई मुकाबले से पहले जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो साउथ अफ्रीका के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है और कौन सी टीम ये पहला वनडे मुकाबला जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।